राहुल गांधी ने एक बार फिर उठाया रिजर्वेशन का मुद्दा। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है हैदराबाद से, जहां भाजपा पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण के खिलाफ हैं और लोगों से आरक्षण छीनना चाहते हैं। तेलंगाना में आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्मल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि चल रहे आम चुनाव दो विचारधाराओं के बीच हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस संविधान की रक्षा करने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा आरएसएस गठबंधन इसे और लोगों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, नरेंद्र मोदी जी आरक्षण के खिलाफ है, वह आपसे आरक्षण छीनना चाहते हैं। देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण को 50% से बढ़ाना है।